हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ, स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ। और स्वागत है आप सभी का नए दिन और नए ब्लॉग में। तो टाइम काफ़ी लेट हो गया है, 2:45 हो चुका है और आज मेरा अभी तक लंच नहीं हुआ है क्योंकि मैं थोड़ा सा जो ये फिनिशिंग का काम था वो कर रही थी और लाइट वाले भी आए थे। तो जो लाइट का काम करना था, वो रेगुलेटर लगाना, इधर स्विच वगैरह जो ख़राब हो रखा था तो वो सारा काम कराया। तो अभी मैं पहले तल रही हूँ पापड़, जो आजकल मेरे को काफ़ी आदत पड़ गई है पापड़ खाने की, और टेस्टी भी है ये वाला पापड़। वरना मेरे को ना दिक्कत होती है पापड़ खाने से भी, लेकिन ये वाला पापड़ टेस्टी है तो मुझे अच्छा लग रहा है। तो पहले पापड़ तल लेती हूँ और उसके बाद मैं बनाने जा रही हूँ अभी पुलाव। थोड़ा सा मटर, थोड़ा आलू, थोड़ा सा गाजर है, बाकी और सब्जियां हैं नहीं। तो कल सब्जियां लाएंगे क्योंकि ज़्यादा दिन तक ना फ्रिज में सब्जियां ख़राब हो जाती है, तो इसीलिए मैं कम कम ही सब्जियां अपने हस्बैंड से मंगाती हूँ। क्योंकि वो फिर क्या होता है ना कि ज़्यादा दिन की सब्जियां हो जाती है ख़राब। तो अभी बनाने जा रहे हैं मटर पुलाव, तो चलो दिखाती हूँ मैं आपको। तो इसमें डाल दिया है मैंने जीरा और प्याज, तेल काफ़ी गर्म था। और कभी कभी क्या होता है ना कि मुझे लगता है मैंने फ़ोन वीडियो चालू कर दिया, लेकिन वो होता नहीं है और आधा वीडियो निकल जाता है, फिर याद आता है वीडियो तो चालू ही नहीं है। बट ये कोई ऐसे रेसिपी नहीं है वैसी। और ये रहा मटर, आलू और गाजर, और इधर मैंने प्याज काट के रखा है। तो अब इसमें डाल देंगे प्याज, क्योंकि इसको ज़्यादा जलाएंगे नहीं। टमाटर में डाल देंगे नमक और वही रेड चिली पाउडर, हल्दी और मिक्स मसाला, और इसको थोड़ी देर पकने देंगे। और फिर इसमें डाल देंगे मटर और राइस को, जो मैंने यहाँ पे धो के रखा हुआ है। तो बस डाल दिया इसमें, और इसमें पानी कम डालना है, ये मेरे को एकदम सूखा चाहिए। तो देखते हो कैसा बनता है। और इसको थोड़ा ऐसे स्टीम होने देंगे, फिर इसके ऊपर थोड़ा सा घी डाल के इसको फिर ढक्कन लगा देंगे। तो इधर जब तक चावल, मतलब इधर जब तक पुलाव बनता है, तब तक मैं फटाफट से झाड़ू पोछा कर देती हूँ, क्योंकि उसको बनने में उतना ही टाइम लगेगा जब तक मेरा झाड़ू पोछा होगा। और उसके बाद मिलती हूँ आप लोगों से, क्योंकि काफ़ी लेट काम चालू हुआ। क्योंकि पहले मैं बोल रही थी आपको कि ये लाइट का काम कराया, बाहर का फैन भी बहुत स्लो हो रहा था, तो उसका एक होता है ना, वो कुछ नाम भूल गई मैं उसका, क्या बोल रहे थे, वो डब्बी होती है ना, वो चेंज वेंज कराई, तो उसमें काफ़ी टाइम चला गया। तो अभी मेरे हस्बैंड तो वो तो रोटी और सब्जी खा के निकल गए थे, बाकी घर का हाल यही है। और देखते हैं कल शायद कंप्लीट हो जाए घर का काम। कलर वालों से बात की तो कल कलर वाले भी आएंगे, बाकी जो थोड़ा बहुत काम छूटा हुआ था मैंने वो फिनिश किया है। इससे पहले दिखाती हूँ मैं आप लोगों को, जैसे ये देखो यहाँ पे ना ये टूटा हुआ था, तो ये बारीकी का काम वो लोग ने ही किए। और ये टाइल्स में इधर अच्छे से जिधर जिधर भरा हुआ नहीं था, ये इधर ये सारा काम मैंने कर दिया। मैंने कहा कल वो लोग आएंगे, तो ये सारा काम जो बारीक वाला है वो मैंने कर लिया है। और चलो फिर मिलती हूँ आप लोगों से खाना वाना खा के, ये सब तो चलता रहता है, मिलती हूँ आप लोगों से बाद में। तो दोस्तों बच गया है 7 और काम वगैरह मेरे सारे हो चुके हैं, तो खाना भी हो चुका है, क्योंकि मैंने खाना लेट खाया 4, 4:30 बजे के आसपास। तो अब मैं रात का खाना नहीं खाऊंगी, और अभी क्योंकि वो खाना पच नहीं रखा है, तो ज़बरदस्ती पेट में डालने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। और रात को वैसे भी 7 बजे के बाद मैं खाती नहीं हूँ, तो मन करेगा फ्रूट। तो अभी मेरे सारे काम वगैरह निपट गए हैं, नहा धो के सब, किचन भी मैंने अपना साफ कर लिया है। और सुबह के लिए मैंने काले चने यहाँ पे भिगो दिए हैं, क्योंकि फिर जब एक बार बिस्तर में लेट जाओ ना, फिर उठने का मन नहीं करता है। और बाहर का रूम सारा सब सेट हो गया है, अपना भी बिस्तर वगैरह लगा लिया है, और अब मैं रेस्ट करूँगी। और कूड़े का थैला है, थोड़ी देर में फिर वो कूड़ा फेंकने जाऊँगी। और अभी मैं थोड़ा सा मीठा, जैसे खाने का कभी कभी होता है ना मीठे की क्रेविंग हो जाती है, वैसे गुड़ भी रखा हुआ है मैंने। बट यहाँ पे मैंने सुबह चाय के साथ ये बिस्किट निकाला था अपने हस्बैंड के लिए, दोपहर में उन्होंने खाए, मतलब वो जो लाइट वाले आए थे ना उनके लिए निकाला था, लेकिन उन्होंने खाया नहीं, वो छोटा बच्चा था, उसने चाय भी नहीं पी। तो ये बचा हुआ है, खुल के सोते हो जाएगा, तो मैंने सोचा चलो ये मैं खा लेती हूँ अभी, और आप लोगों से मिलती हूँ कल। तब तक बने रहे मेरी वीडियो में।
तो फ्रेंड्स सारे काम हो चुके हैं मेरे, झाड़ू वगैरह बस कपड़े धोने के हैं और नहाई नहीं हूँ मैं अभी, क्योंकि मुझे अभी बालों को करनी है ऑयलिंग। बाल मेरे बहुत रफ हो रखे हैं आजकल, और काफ़ी टाइम से मैं कहा ना कि काफ़ी टाइम से बालों की केयर भी नहीं कर पा रही हूँ, तो सोच रही हूँ धीरे धीरे थोड़ा बालों की केयर भी करूँ, क्योंकि कुछ बाल सफ़ेद हो रहे हैं यहाँ और इधर से जो झड़ रखे थे, जो आ रखे थे, इनकी ग्रोथ बढ़ा देंगे तो यहाँ अच्छा रहेगा थोड़ा सा, क्योंकि जो ये बेबी हेयर है ना ये पीछे नहीं जा रहे तो सामने से सींग जैसे खड़े हो जा रहे हैं। तो काम वगैरह तो मेरा सारा हो गया है, और इधर मैं आपको दिखाती हूँ मैं आज बालों पे किस चीज़ की मसाज कर रही हूँ। अलग अलग चीज़ों से करती हूँ जब मैं केयर करना चालू करती हूँ तो, और जब भी जो भी लगाऊंगी जो भी अप्लाई करूँगी आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी। बालों की लेंथ तो मेरी बहुत अच्छी है, बस थोड़ी सी वो जो हैवीनेस है ना वो कम है, ऊपर ठीक है लेकिन नीचे से देख सकते हो आप कम है, और काटती भी नहीं मैं नीचे से। तो चलो मैं दिखाती हूँ आपको, मैंने यहाँ पे देख सकते हो आप ले रखा है प्याज का रस, नॉर्मली जो हम लोग किचन में यूज करते हैं वही, और इसके साथ मैं वैसे इसको ऐसे ही लगा देती लेकिन थोड़ा सा ना इससे ड्राइनेस आता है, ऑलरेडी मेरे बालों में क्या है ड्राइनेस हो रखी है। एलोवेरा जेल मेरे पास नहीं है, ख़त्म हो रखा है, और ये मेरा ऑयल है तो इसमें थोड़ा सा मैं, इसमें 2 चम्मच प्याज का रस है तो 1 चम्मच मैं ऑयल मिलाऊँगी, जो ऑयल मेरा ये बना हुआ है, और इससे अच्छे से मैं अपने बालों को मसाज करूँगी, और मसाज करके जो इतने दिन की थकान है थोड़ी वो भी जाएगी और थोड़े बाल भी अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि जो बालों में ये अजीब सा एक टेक्सचर हुआ है ना बालों का, ये जो सीमेंट का काम हुआ था उसकी वजह से। और आप जो ये प्याज का रस है ना इसमें एलोवेरा जेल और विटामिन ई की जो वो आती है ना कैप्सूल वो भी इसमें डाल सकते हो। और मेरे पास अभी कुछ नहीं है, बट मुझे ऑयलिंग करनी थी तो मैंने सोचा चलो प्याज के जूस को मैंने काफ़ी टाइम से अप्लाई नहीं किया तो अब वो स्टार्ट करती हूँ, और फटाफट से पहले अपने बालों की मसाज करती हूँ, क्योंकि अपने आप को ना पैम्पर भी ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि हमें कोई पैम्पर नहीं करेगा, हम सबको करते हैं, हमें अपना ख्याल खुद रखना पड़ता है ना। तो बाल भी हमारा गहना ही होता है, तो बालों को भी अच्छे से रखना भी हमारा काम है। तो मैं बहुत सारी चीज़ें पहले अप्लाई करती थी होम रेमेडी अपने बालों को, तो उससे मेरे बाल आज तक थोड़ा सा बचे हुए हैं, अदरवाइज़ तो बचते नहीं। और मेरा मेन प्रॉब्लम डैंड्रफ होता है जो काफ़ी टाइम से जा रखा है, क्योंकि मैं पानी वगैरह ठीक से पी लेती हूँ और थोड़ा केयर भी कर लेती हूँ, लेकिन अगर केयर नहीं करती हूँ ना तो वो वापस से आ जाता है, तो इसीलिए मुझे बालों की केयर, स्कैल्प की केयर करनी पड़ती है बालों के लिए। अगर बालों को हेल्दी रखना है तो स्कैल्प आपकी हेल्दी होनी चाहिए, और इसके लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। तो जो जो मैं करती हूँ ना वो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और अभी गांव जब से गई थी तब से कुछ नहीं कर रही थी, बस ऑयल मसाज दिन में कर लेती थी और कुछ लगाते नहीं थे, तो इसलिए शेयर भी नहीं किया आप लोगों के साथ। तो वैसे भी 30+ होने के बाद तो बालों को, या होता ही है ना किसी बच्चों के, तो आजकल जल्दी ही बाल ग्रे हो जाते हैं, तो हमारा फिर भी ठीक है अभी इतना टाइम में हो रहा है तो हम लकी है। और वैसे भी मैं इन बालों को अपने ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करती नहीं हूँ, कुछ ऐसी चीज़ें लगाती नहीं हूँ। तो पहले जो है ना एक बीच में मैंने मेहंदी लगाई थी, तो तब से मेरे 2 वाइट बाल हो गए थे और मैंने तब से लगानी छोड़ दी थी। और मेहंदी की ना आदत होती है, अगर आप 15 दिन में लगाते हो तो 15 दिन में लगानी है, या फिर वो खुद ही इचिंग स्टार्ट हो जाती है स्कैल्प पे, तो मैं मेहंदी इसीलिए नहीं लगाती हूँ। और जो ये मेरे बालों का कलर है वो नेचुरली है, बस मेरे ऐसे नहीं कि वाइट बाल नहीं है, यहाँ पर 2-4 बाल हैं मेरे वाइट, और बहुत पहले से 2 बाल थे तो अब बढ़ गए हैं, क्योंकि केयर करना छोड़ दिया है ना, तो इसीलिए। तो चलो मैं फटाफट से अपने बालों की मसाज करती हूँ और काम करके फिर मिलती हूँ आप लोगों से, और अच्छे से मसाज करनी है, उससे बहुत अच्छा लगता है। और प्याज की थोड़ी सी स्मेल आती जरूर है लेकिन शैम्पू से हट जाती है, क्योंकि इसमें हमने ऑयल भी लगाया है ना, तो थोड़ा अगर जिसको प्याज की स्मेल से प्रॉब्लम है तो वो अवॉइड करें। उसकी जगह पर आप लोग दही का पैक भी लगा सकते हो, दही, खाली दही भी अगर अपने बालों को लगाओगे ना तो काफ़ी स्मूथ हो जाते हैं। तो सर्दियों में अलग पैक लगते हैं बालों को और गर्मियों में अलग लगते हैं, तो मौसम के हिसाब से भी देखना पड़ता है। तो चलो मिलती हूँ आप लोगों से बाद में। तो फ्रेंड्स बाल धो दिए मैंने, नहाना हो गया मेरा, और अभी थोड़ा सा बालों को अच्छा लग रहा है और माइंड को भी अच्छा लग रहा है, इतने दिन से ना अजीब सा लग रहा था, थोड़ा मसाज करके अच्छा भी लगता है।
और हाँ, आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि मैं डेली भूल जाती हूँ बोलना, हमेशा याद रहता है लेकिन ब्लॉग स्टार्ट करते ही मैं भूल जाती हूँ। तो आप लोगों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं, माता रानी का आशीर्वाद आप सब पे बना रहे, सबका जीवन स्वस्थ मस्त और व्यवस्थित रहे। तो चलो ऐसा करती हूँ कि आज का ये ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। मिलते हो नेक्स्ट इंटरेस्टिंग ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।